तो आज है हम लोग डिहिंग रिवर में, और इसको बूढ़ी डिहिंग भी कहते हैं, बूढ़ी यानी कि ओल्ड। और ये जो डिहिंग वर्ड है ये आया है आपका डिहोंग से, डिहोंग का मतलब है चौड़ा। और मेरे घर से ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का डिस्टेंस पे है। ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज मैं आया हूँ डिहिंग पे। मेरे साथ हैं बुबुदा। नमस्कार। बुबुदा और मैं हम आए हैं यहाँ पे डिहिंग पे थोड़ा सा घूमने के लिए, और मैंने सोचा क्योंकि हम आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम इस बंदे को भी अनबॉक्स करें। तो इसको अभी हम खोलने वाले हैं। मैं सीजर्स नहीं लाया ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा और मैं इसको अभी खोलूंगा। तो ये आपको एक लेटर देखने को मिलता है यूट्यूब की तरफ से, और कह रहे हैं कि ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड्स आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होने की वजह से बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ में आपको देखने को मिलता है द सो कॉल्ड सिल्वर प्ले बटन। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ यूट्यूब को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे ये भेजा। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया, और आपके सपोर्ट के बगैर ये नहीं होता। तो थैंक यू वंस अगेन एंड आई लव यू ऑल। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बुबुदा का थोड़ा सा काम है। तो मैं आपको वापस जाके घर पे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल रात को काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब बात ऐसी है कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक होम स्टूडियो बना रहा हूँ लास्ट ईयर से। और पहले आप ये वीडियोस देखिए, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। ऑल द विंडोज एंड द वेंट्स दैट हैव बीन क्लोज्ड। और इसके अंदर जो है वो है कि दिस फेलो राइट हियर व्हिच इज अ फोम एंड द रेस्ट इज रॉक पूल। उसके ऊपर ये प्लाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम और वो डालेंगे लकड़, एंड इसके मोर सेपरेशन करेंगे एंड फिल दिस अप विथ रॉक वूल। इट्स फिल्ड। ये लाइट्स हमने छोड़ दिए क्योंकि एल्स इट विल बी डिफिकल्ट टू वर्क। सो वील टेक ऑल दीज बोर्ड्स आउट बिफोर वी फिल द रॉक वूल। और ये इट्स ऑल एवरीवेयर। तो इसके बीच भी देर विल बी मोर वुड इस तरीके से। सो इट्स अपडेट टाइम day 3, और आज ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और दिस इज़ वॉट वी हैव डन। बेसिकली जो ये फ्रेमिंग है ये ख़त्म हो चुका है, तो ये प्लग्स हमने हटा दिए हैं एंड वी हैव डन डिफरेंट वायरिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द रॉक वूल इज बीइंग पुट इनसाइड दिस वे। वी विल पुट सम दिस प्लाई ओवर दिस। सो ये हमने तार छोड़े हैं यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी उसके अलावा ये भर चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ा, और क्योंकि फाइनली अभी मैं वापस आ गया हूँ तो दोबारा मैं काम करवा रहा हूँ। तो अभी का जो अपडेट है ये कुछ इस तरीके का है।
तो पहली चीज़ है कि ये दरवाज़ा लग चुका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकेंड डोर लग चुका है। इसको मैं कवर करूँगा फोम से, एकुस्टिक फोम से। और यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग डोर है जो पहले था, ये शीशे भी मैं फिल करूँगा फोम से, और यहाँ पे गैप्स भी हम फिल करेंगे। और अगर हम अंदर देखें तो लाइट्स वगैरह फिट हो चुके हैं, ये एक लाइट, ये दूसरा लाइट, और कमरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी। और अगर मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊं, तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये क्रैक फिल है, आप देख सकते हैं। प्लाई वुड के बीच में जो गैप्स है उनको भरने के लिए हमने क्रैक फिल का इस्तेमाल किया है। तो मेरे पापा ने इस पे पुट्टी का इस्तेमाल किया था, जो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रीज़न बींग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स था, जबकि ये बहुत फ्लैट है, ये बहुत स्मूथ है जैसे आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर सैंडिंग की जाएगी, इसको सैंडिंग करेंगे, आज ही लगाया गया है तो ओवरनाइट हम इसको छोड़ रहे हैं सूखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं क्रैक फिलर, तो इसका मैंने इस्तेमाल किया है अपने गैप्स को भरने के लिए। और ये सारा पुट्टी है जो निकला है, बेसिकली अगर आप इसको देखें ये सारा पुट्टी है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अभी भी काफ़ी अनइवन है और इसमें पैचेस लग रहे हैं। नाउ एक रीज़न ये है कि मैं इसको खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं अपना स्पेस है तो मैं चाहता था मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूँ। उसके ऊपर ये मेरा फर्स्ट सेटअप है जो मैं तरीके से साउंड प्रूफिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि मुझे शायद मेरी पुट्टी की मुझे ज़रूरत नहीं होती, अगर मुझे पता होता कि उससे काम नहीं बनेगा तो मैं डायरेक्टली इसी का इस्तेमाल करता। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मुझे जो लगता है, मैंने ये दरवाज़ा बंद करके देखा, काफ़ी साउंड प्रूफ हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं दरवाज़े के बारे में बात करूँ, तो अगर आप इन दरवाज़ों को देखें तो इन पे बहुत सारी गैप्स हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आप देख रहे हैं इसके बीच में भी जो गैप है, ये बहुत हल्के गैप्स हैं लेकिन गैप है ज़रूर। मैं इन पे भी वेदर सीलेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो अभी हम लोग इस पे क्या है कि हम लोग सैंड पेपर मार रहे हैं, सैंड पेपर है ना, हाँ सैंड पेपर मार रहे हैं ताकि ये क्रैक सील थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये काफ़ी स्मूथ बन चुका है पहले से, तो ये देखो काफ़ी स्मूथ हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और भी होगा, हो जाएगा अंकल? हाँ बढ़िया। तो अभी कर रहे हैं हम लोग इसका कलर पेंट। ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली कैमरा में डिस्प्ले तरीके से नहीं हो पा रहा है, शायद थोड़ा सा और लाइट है ये। और इसके ऊपर मैंने जो पैनल सोचे हैं वो ग्रे कलर के होंगे, तो शायद अच्छा लगेगा। तो कलर हो चुका है कंप्लीट, और जैसे आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कितनी तरीके से आपको दिख रहा होगा, बट ये जो कलर है ये है फॉलिएज ब्लू, और ये एशियन पेंट्स का कलर है। और कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं कैमरा रोटेट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ये जो आपको बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट बहुत जगह पे ऐसे बम्प्स हैं, एक वहाँ पे है कॉर्नर पे आपको दिख रहे हैं। ये बेसिकली मेरी गलती है मैं कहूँगा, क्योंकि जो कारपेंटर भैया थे उन्होंने ये सही से फिट नहीं किया है, क्योंकि ये प्लाई है ऑब्वियसली ड्राई वॉल है, तो ये तरीके से फिट नहीं हुआ जगह पे, वो बिल्कुल इक्वल नहीं बैठा। फिर हमने क्रैक सील किया लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट देन इट्स ओके, हम सब एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं, और दैट्स ओके एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। आई मीन इसके ऊपर हम फिर पैनलिंग करेंगे, मैं इस पर ऊपर एकूस्टिक एब्जॉर्बर्स डालूंगा जिससे ये थोड़े बहुत कवर तो हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे ये ऐसे बम्प्स हैं। तो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, मेरे मुर्गे को इग्नोर कीजिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट। We'll be right back.